नमस्कार, मैं अलना खान, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि इंडस न्यूज 24x7 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में खुले सीवर में गिरने से 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत। महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा इलाके में बुधवार को खुले सीवर में गिरने से 26 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बुधवार की रात वो घर से निकला और खुले नाले में गिर गया। अछोले थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी की हत्या की और फिर शरीर के टुकड़े किए। राष्ट्रीय राजधानी में हुए जघन्य श्रद्धा वाकर हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला के शव को काटकर दूर फेंक दिया गया। सीतापुर पुलिस के अनुसार उन्होंने 8 नवंबर को पीड़िता का शव उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुर कला थाना क्षेत्र के गुलरिहा से बरामद किया, जिसकी पहचान ज्योति उर्फ स्नेहा के रूप में हुई, जबकि मामले के दो मुख्य आरोपी पंकज मौर्य और दुर्जन पासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने 14 करोड़ रुपए मूल्य की 272 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच के उत्तर पूर्व भारत के राजस्थान में अवैध अफीम की तस्करी में शामिल अंतर्राज्य ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। जब्त अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 14 करोड़ रुपए है। सूचना मिलने पर कि राजस्थान के मादक पदार्थ तस्कर उत्तर पूर्वी राज्यों से राजस्थान में भारी मात्रा में अवैध अफीम की तस्करी के लिए विशेष रूप से निर्मित कैविटी वाले ट्रॉलर ट्रकों का उपयोग कर रहे थे। सीबीएन के अधिकारियों ने इन अंतर्राज्य कार्टेलों का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन ट्यूलिप शुरू किया। मेघालय में भूकंप के झटके 3.4 रही तीव्रता। मेघालय में तुरा इलाके के करीब गुरुवार तड़के भूकंप के झटके आए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज सुबह करीब 3:46 पर राज्य के तुरा इलाके से 37 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई और गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। बरेली में टीटीई के धक्के से घायल फौजी की इलाज के दौरान मौत। बरेली जंक्शन पर 18 नवंबर को डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ते समय गिरने से राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट की यूनिट 24 के फौजी का एक पैर कट गया था, जबकि दूसरा पैर कुचल गया था जिसे बाद में काटना पड़ा। फौजी की हालत पहले दिन से ही गंभीर बनी हुई थी और इलाज के बावजूद उसमें सुधार नहीं हुआ। फौजी ने गुरुवार को दम तोड़ दिया। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा? कोई सुझाव और प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेलीमोशन पर भी फॉलो करें और इंडस न्यूज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।